सीधी सी बात है साहिब, ये भीख मांगने वाले हमारे हुसैन नहीं है। हमारे हुसैन तो वो हैं जिन्होंने 71 लाशें कटा कर भी रब की रजा पे राजी होने का दर्स दिया है। हम तो उस हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के जिक्र में खड़े हैं। और मुझे बताओ यार, ये प्यास शेख क्या है? मुझे दिल पे हाथ रखकर बताएं कि यार, बचपन में जिनके मुंह के अंदर मेरे रसूल ने अपनी मुबारक जुबान रखकर प्यास बुझाई हो, क्या उस हुसैन इब्ने अली को भी प्यास जो है वो सता सकती है? ये किसी का खुद साख्ता तस्वुर है। ये पानी की हैसियत क्या है? ये नहरे फुरात होती क्या शय है साहिब? यार अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पांव की मुबारक एड़ी को रगड़ दें तो वहां से आबे जमजम फूट सकता है, तो मुझे बताओ ये भी तो आले रसूल थे, ये भी तो नवासा रसूल थे। अगर ये हाथ उठाते तो रब आसमान से पानी ना बरसा देता? तो पानी का तो मसला ही नहीं था, मसला कुछ और था साहिब। पैगाम सुनाना मकसूद था दुनिया को कि इतना कीमती है दीने रसूल। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं बाद में आने वाले आले रसूल के एक खून की कतरे की कीमत नहीं दे सकते, इतने कीमती हैं मेरे हुजूर के घर वाले। 72 लोग कट कट के गिरते रहे, जानते हो कितने कीमती हैं? एक कतरे की कीमत उम्मत नहीं दे सकती, लेकिन 72 लोग कट कट के गिरते रहे तो हर कटने वाला बता रहा था कि लोगों हम बड़े कीमती होंगे, लेकिन हमारे नाना का दीन इससे भी ज्यादा कीमती है, और उस दीन के तख्त के ऊपर यजीदियत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।